हेलो, कक्षा 8 के छात्रों का फिर स्वागत है। अध्याय 6 का 7वां वीडियो, पहले भी इससे पहले जो दिखाया गया था उसमें आप रिक्त स्थान और खाली रिक्त स्थान और सही गलत का चिन्ह लगाए थे। अब इसमें आपको प्रश्नोत्तर दिखाया जाएगा, प्रश्न के उत्तर। आप इसको ध्यान से देख लें ताकि अच्छे ढंग से आप लिख सकें। अध्याय 6 का 7वां वीडियो है, हमारे अतीत भाग 1, उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। इससे पहले आप दो प्रश्न दे चुके हैं, एक सही गलत और दूसरा रिक्त स्थान भरे थे। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में 3 फर्क ढूंढना है। नई दिल्ली और शाहजहानाबाद की नगर योजना में 3 अंतर को लिखना है। तो लिख लें, पहला अंतर है शाहजहानाबाद दीवारों से घिरा शहर था, नई दिल्ली में ऐसा नहीं था। पहला अंतर। दूसरा, शाहजहानाबाद में भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले तथा सकरी गलियां थी, जबकि नई दिल्ली में चौड़ी गलियां और चौड़ी सड़कें थी। तीसरा फर्क, नई दिल्ली में जलापूर्ति की अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन पुरानी दिल्ली में ऐसा नहीं था। ये आपका हो गया तीसरे का उत्तर। अब देखें चौथा प्रश्न आपका है, किताब से लिख लेंगे। चौथा प्रश्न है, मद्रास जैसे शहरों के गोरे इलाकों में कौन लोग रहते थे। तो इसका उत्तर आप देखें, मद्रास जैसे शहरों में सुसज्जित गोरे इलाकों में अंग्रेज लोग रहा करते थे। बस इसका उत्तर केवल इतने है, इसको आप लिख लेंगे। चौथा हो गया आपका, चौथे का उत्तर, मद्रास जैसे शहरों में सुसज्जित गोरे इलाकों में अंग्रेज लोग रहा करते थे। प्रश्नोत्तर पांच आपका क्या है, किताब में देख लें। प्रश्नोत्तर पांच है आपका, विशहरीकरण का क्या मतलब है, इसको लिख रहे हैं किताब से। उत्तर देखें पांचवें का, विशहरीकरण का अर्थ है जब देश के कुछ शहरों की तीव्र गति से वृद्धि हो रही होती है और ठीक उसी समय पहले से विकसित कुछ शहर पिछड़ रहे थे, तो इसको विशहरीकरण का नाम दिया गया। फिर से सुन लें, विशहरीकरण का अर्थ है जब देश के कुछ शहरों की तीव्र वृद्धि हो रही होती है और ठीक उसी समय पहले से विकसित कुछ शहर पिछड़ रहे होते हैं या पिछड़ रहे थे, तो उसी को विशहरीकरण कहा गया। अब प्रश्न उत्तर 6 देखें। प्रश्नोत्तर 6 है आपका, अंग्रेजों ने दिल्ली में ही विशाल दरबार क्यों लगाया जबकि दिल्ली राजधानी नहीं थी। ये प्रश्न नंबर आपका है 6। तो इसका उत्तर आप देखें, अंग्रेजों को दिल्ली का सांकेतिक महत्व अच्छी तरह पता था। अंग्रेजों को दिल्ली का
सांकेतिक महत्व अच्छी तरह पता था और मुगल साहब के महत्व को कम करना चाहते थे। अंग्रेज लोग मुगल शाह के महत्व को कम करना चाहते थे और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे बस इतना लिखेंगे इसका उत्तर छह का। अब देखें सातवें का, सातवां क्या है आपका? पुराना दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहत किस तरह बदल गया? पुराना दिल्ली शहर ब्रिटिश शासन के तहत किस तरह बदल गया? प्रश्न को आप किताब से लिख लेंगे, उत्तर देखें। लाल किले के आसपास, लाल किले के आसपास का इलाका साफ कर दिया गया। बाग बगीचे, बाग बगीचे, यहां पर बगीचे भी होगा, बगीचे, बाग बगीचे, मस्जिदें नष्ट कर दी गई, मस्जिदें नष्ट कर दी गई। शहर की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया गया, शहर की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया गया, नहरें पटवा दी गई। इसका उत्तर आपका ये हो गया सातवें का। आठवां, आठवां क्वेश्चन आपका क्या है? आठवां है आपका, विभाजन से दिल्ली के जीवन पर क्या असर पड़ा? जो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसका जो है दिल्ली के लोगों पर क्या असर पड़ा, दिल्ली के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखें प्रश्नोत्तर आठ, दिल्ली की जनसंख्या में 5 लाख की वृद्धि हो गई, अचानक वृद्धि हो गई। दिल्ली की जनसंख्या में 5 लाख की वृद्धि हो गई अचानक। 2/3 मुसलमान पलायन कर गए, 2/3 मुसलमान पलायन कर गए। दिल्ली आए नए लोगों के व्यवसाय क्रियाकलाप आदि में बदलाव आ गया। यह आपका आठवां का उत्तर है। बस अब तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लिख लेंगे, अब इसके आगे आपका ये भाग एक, हमारे अतीत भाग एक किताब आपकी जो है पूरी पढ़ा दी चुकी, पढ़ाई जा चुकी है और लिखाया भी जा चुका। अब ये इसके बाद जो है आपको भाग दो पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।